ईरान ने इसराइल को दिखाई अपनी ताकत, हमले को लेकर इसराइल को किया आगाह। ईरान ने कहा कि कोई हमला न्यूक्लियर साइट्स को नहीं पहुंचा सकता नुकसान, अगर हमला हुआ तो इसराइल को दिया जाएगा इसका सख्त जवाब, किसी नुकसान की भरपाई इसराइल को ही करना होगी। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, ईरान ने इसराइल को अपनी ताकत दिखाई है, हमले को लेकर इसराइल को मुतनब्बे किया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि कोई हमला न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर हमला हुआ तो इसराइल को इसका सख्त जवाब दिया जाएगा, किसी नुकसान की भरपाई इसराइल ही करेगा। तो अब लगातार ईरान की तरफ से ये जवाब आ रहा है और साफ तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान ने इसराइल को अपनी ताकत दिखाई है हमले को लेकर, जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की बात की जा रही थी कि इसराइल बदला लेगा उसको लेकर, अब ईरान ने इसराइल को साफ तौर पर आगाह कर दिया है और कहा है कि कोई हमला न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, अगर हमला हुआ तो इसराइल को सख्त जवाब दिया जाएगा। चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। राम सर, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे सलाम टीवी की खास पेशकश में। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ईरान ने इसराइल को अपनी ताकत दिखाई है, फर्स्ट रिएक्शन चाहेंगे सर आपका। हाँ, ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है या गीदड़ भौंकी दी है, क्योंकि पिछली बार जो उसने ताकत दिखाई थी उसमें बहुत सारे रॉकेट और आईसीबीएम उसने छोड़े थे, वो सब नेस्ताबूत हो गए, कोई भी निशाने पर नहीं गया क्योंकि वो लेजर गाइडेड थे ही नहीं। उनका जो है एक जिस तरह दीपावली पर बच्चे रॉकेट छोड़ते हैं दिशाहीन, इस तरह के उन्होंने उस तरफ ओरिएंट करके भेज दिया। लेकिन वहां पर यूके की फौज मौजूद है, अमेरिका के दो बेड़े मौजूद हैं जो प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है कि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो रोकेंगे। उन्होंने लगभग सभी जितने भी अटैक थे उनको सबको हवा में ही नष्ट कर दिया। अब रहा सवाल ये, अब तो अमेरिका ने अपना जो सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम है उसको वहां पर पहुंचा दिया है, तो निश्चित मानकर चलिएगा कि ईरान की ये जो वार्तालाप है, जो धमकी है, जो दौंस है, डपट है, ये जो है उसकी घबराहट को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि अब उसने पंगा तो ले लिया। इधर ईरान ने बड़े तरकीब से, देखिए, अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा उन्होंने,